हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम सोया चंक्स पुलाव बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कप छोटे साइज़ के सोया चंक्स। मार्केट में दो तरह के सोया चंक्स मिलते हैं, एक खुले और एक पैकेट वाले। आपको पैकेट में पैक सोया चंक्स का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और अब हम इसे 15 मिनट के लिए सोख होने देंगे। 15 मिनट बाद सोया चंक्स अच्छे से फूल गए हैं। अब हम सोया चंक्स से सारा पानी निचोड़कर इसे दूसरे बाउल में रखेंगे। इसी प्रकार से सारी सोया चंक्स से पानी को निचोड़ लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप फ्रेश और गाढ़ा दही, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए अलग रखेंगे। और अब हम लेंगे एक कप बासमती चावल। आप इसे कोई भी बासमती चावल से बना सकते हैं। चावल में अब हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से 2 से 3 बार मसलते हुए धो लेंगे। दो से तीन बार चावल को हमने धो लिया है। अब हम चावल में पानी डालकर 20 मिनट के लिए इसे सोख होने देंगे। 20 मिनट बाद अब हम कुकर में 2 चम्मच तेल डालेंगे, साथ में 1 चम्मच घी डालेंगे। आप इसे केवल तेल में भी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, साथ में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और कुछ सेकेंड के लिए इसे भून लेंगे। गरम मसाले और जीरे को हमें ज़्यादा तेज़ गरम तेल में नहीं डालना है, नहीं तो ये तुरंत जल जाएंगे और तेल में इनका फ्लेवर नहीं आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। 2 से 3 मिनट प्याज को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 मिनट इसे और भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर को भी 2 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेंगे। दो मिनट टमाटर को हमने लगातार चलाते हुए भून लिया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमें कम डालना है क्योंकि नमक हमने सोया चंक्स में भी डाला है। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सोया चंक्स डालेंगे। और अब हम सोया चंक्स को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट सोया चंक्स को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। पुदीना आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसके डालने से पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में भीगा हुआ चावल डालेंगे। और अब हम चावल को हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। चावल को हमें ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप चावल के लिए हम 1.5 कप पानी डालेंगे और एक बार इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेंगे।
दो सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद पुलाव को चेक करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सोया चंक्स पुलाव बनकर तैयार है। 10 से 15 मिनट इसे आप खुला छोड़कर सर्व करेंगे तो ये पुलाव और भी खिला खिला हो जाएगा। तो अभी हम इसे गर्मा गर्म ही सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो गर्मा गर्म पुलाव को आप ऑनियन रायता या वेजिटेबल रायता किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी और खाने में पुलाव बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।